लटका लिया मुंह। ऐसे क्यों बैठा है? उसको पता लग गया कि तू जा रहा है। सात दिन भी बताया था, ऐसे निकलेंगे ऐसे। लो ना ढंग से भैया को बाय बोलो, भैया जा रही है लद्दाख। मैकू बाय बाय। ये इसका उदास वाला फेस शुरू हो गया। आया कि तो फाइनली अब मैं निकल चुका हूँ घर से लद्दाख के लिए, एंड टाइम हो रहा है रात के 2, एंड जस्ट अभी कैब बुक करी है तो बस 5 मिनट में आ रही है, वेट ही कर रहा हूँ मैं कैब का। तो फाइनली मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अनबिलीवेबल मोमेंट है मेरे लिए यार, लोग तरसते हैं लद्दाख जाने में, जा रहा हूँ तो यार बहुत खुश हूँ मैं। सब कैब का ही वेट हो रहा है, जल्दी से आए कैब। फिर फ्लाइट का टाइम तो सुबह 5 बजे का है, बट जल्दी रेडी हो गया था मैं, गया फिर वहीं पे बैठ चलते हैं। तो टाइम हो गया रात के 2:40, एंड जस्ट अभी एयरपोर्ट आया हूँ मैं, तो बस अंदर जाऊँगा, बोर्डिंग पास लूँगा। अभी फ्लाइट तो सुबह 5 बजे की है, बट पहले ही आ गया मैं, अब क्या करूँ, जल्दी रेडी हो गया तो आ गया, अब यहीं वेट करूँगा थोड़ी देर। तो कुछ ऐसा ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दी आया हूँ, तो कोई नहीं अंदर चलते हैं, अब वेट करते हैं थोड़ी देर। मुश्किल से 15-20 मिनट शायद बैठना होगा या आधा घंटा, बैठ जाएंगे कोई बात नहीं, एयरपोर्ट ही तो है, चलते हैं अंदर। तो इस टाइम मैं टर्मिनल 3 पर हूँ, बट अब जल्दी आने का देखो फ़ायदा हो गया, वो बता रहे हैं कि फ़्लाइट चेंज हो गई है, एंड टर्मिनल 2 पर जाना पड़ेगा आपको। तो अब टर्मिनल 2 पर जाऊँगा, क्या करूँ, कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो कोई नहीं, एडजस्ट करते हैं जैसे जैसे। अगर मैं पूरा एक्यूरेट टाइम पे आता तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती, और थोड़ा जल्दी आया था, जल्दी आने का ये फ़ायदा होता है। तो टाइम हो गया रात के 3:30, चेक इन कर चुका हूँ, बोर्डिंग पास भी मिल चुका है, टाइम लग गया थोड़ा बट हो गया जैसे तैसे। तो अभी भी 1.5 घंटा है फ्लाइट में, तो अभी तो यहीं कहीं घूम रहा हूँ आसपास ऐसे ही। तो गेट नंबर 22 पे जाना है मैंने, बस जा रहा हूँ उधर। मुझे लगा फिर से एक अनाउंसमेंट आ गई हो, 2 से 3 में जाओ, मैंने कहा पता नहीं क्या एयरपोर्ट है रेलवे स्टेशन है भाई, बार बार यहीं करते रहें। तो अब भूख लग रही है थोड़ी सी, नींद भी आ रही है काफ़ी, कल भी जल्दी उठ गया था, देखते हैं कुछ खाने का यहाँ पे। तो टाइम हो रहा है सुबह के 4, तो मैंने सबवे का कॉम्बो ले लिया, हरा भरा कबाब, माउंटेन ड्यू, एंड मेरा फेवरेट फ्लेवर है पेरी पेरी फ्राइज का। तो अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, इसे खाते हैं। अभी तो टाइम है यहाँ पे कम से कम आधा घंटा और लगेगा, फिर जाऊँगा फ्लाइट में। तो अब है बोर्डिंग का टाइम हो रहा है सुबह के 4:30, तो सब क्यू में लग रहा हूँ, यहाँ पता नहीं आवाज़ भी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो अब चलते हैं लाइन में लगते हैं। सबसे लास्ट में जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, चलते हैं फिर। तो टाइम हो रहा है सुबह के 6, एंड मैं पहुंच चुका हूँ ले। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ का अभी तो, बाकी मतलब इतना भी कोई ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही, बाकी दिल्ली से तो बहुत ही बेटर वेदर है। तो ये है एयरपोर्ट का नाम कुशोक बकुला रिंपोचे टर्मिनल, तो ना
नाम भी बोलना ढंग से नहीं आ रहा। तो बस अब एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से, फिर कोई होटल देखता हूँ। भूख तो लगी नहीं है अभी, खाया हुआ है, तो कोई होटल देखते हैं फिर चलते हैं। मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। तो बाकी जब फ्लाइट में था मैं, इतना अच्छा व्यू था, इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था, मज़ा आ गया। तो फाइनली एंट्री हो चुकी है लेह में। श्रीनगर तो मैं 4 महीने पहले होके आ चुका हूँ, तो कारगिल कोशिश करूँगा, जाऊँ वहाँ पे। लेह तो पहुँच ही गया, बाकी मनाली भी 472 किलोमीटर है यहाँ से। यार वेदर देखो यहाँ का कितना ज़्यादा अच्छा है यार। अरे यार आवाज़ में डिफरेंस आ गया मेरी, तो वो थोड़ा होता है, फ़र्क आता है एक हाइट में एक। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:45 एंड मैं आ गया हूँ मेन मार्केट में। तो एयरपोर्ट से शेयरिंग कैब तो ऑप्शन था नहीं, तो वहाँ पे हम 3 लोग आए, तो 500 रुपीज़ लगे, चाहे एक बंदा आए चाहे 2 आए चाहे 4 आए, 500 रुपीज़ लगते हैं यहाँ पे। तो अभी तो पूरा मेन मार्केट में ही, यहाँ पे मैं पूरी मार्केट बंद है यहाँ पे, तो वहीं खुलेगी अपना आराम से 10-11 बजे। तो अब तो यार कल भी जल्दी उठ गया था, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, अब तो बस होटल देखूँगा कोई, देखता हूँ फिर वहीं पर जाते ही सो जाऊँगा यार, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी मौसम तो इतना अच्छा है यार, अभी तो जैकेट की ज़रूरत नहीं है, बाकी रात को देखते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे, तो अब देखते हैं होटल को। तो टाइम हो रहा है सुबह के 11 एंड अभी मैं यहीं पे हूँ मेन मार्केट में। तो बड़ी मुश्किल से होटल मिला, इतना चला, इतना ज़्यादा चला, मतलब कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं थी सुबह सुबह, बहुत मतलब इतनी थकान हो गई सुबह सुबह। फिर ऐसे ले दे के होटल मिला कोई, फिर वहाँ पे जाते मैं सो गया। तो बस अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, फिर अभी प्लान बन नहीं रहा, तो आज का प्लान तो लोकल साइट सीन गई है, तो 2-3 जगह बताई थी, नाम भी याद नहीं अभी तो। एंड जैसे ब्रेकफास्ट किया मैंने, ले दे के बाहर गए तो प्रॉब्लम होती है, ब्रेकफास्ट ढंग से मिलता नहीं बढ़िया, तो बस खा लिया अब ले दे के, मज़ा तो आया नहीं। तो पहाड़ में यार मैगी अच्छी लगती है, और भी अच्छा नहीं लगता। तो अब बाइक वाइक का पूछ रहा था रेंट के लिए, तो पहले इतने ऑलरेडी बुकड हैं, 5-6 जगह पूछ चुका, कहीं बाइक ही नहीं मिल रही, तो वो कह रहे हैं टैक्सी से चले जाओ, और फिर यहीं चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। यहाँ पे पीछे यहीं शॉप पे गया, वो कह रहे बाइक तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, बहुत बुकिंग है पहले, देखते हैं अब क्या करना है, कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो टैक्सी में जाएंगे और क्या। अब यहाँ पे भी आया था बाइक लेने, इन्होंने शटर डाउन करा हुआ है, कहीं भी बाइक नहीं है यार, सब यहीं बोल रहे हैं कहीं भी चले जाओ आप पूरे लेह में, इस टाइम बुकिंग इतनी ज़्यादा है कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो टाइम हो गया दोपहर के 4:15 एंड आप पीछे व्यू देख सकते हो, मज़ा आ गया, इतना अच्छा व्यू है यहाँ पे, ये देखो यार जन्नत है यार सच में, लद्दाख इतना नाम सुना लद्दाख का, और सच में जन्नत है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। बाकी ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, सब हाफ स्लीव्स में ही हैं। एंड जब आप आओगे ना लद्दाख तो एकदम आए आपको, क्योंकि एकदम एल्टीट्यूड बढ़ जाता है, हम एकदम सी लेवल से सीधा 13,000 फीट पर आते हैं। तो थोड़ा ना कोशिश करना कि पहले दिन या तो शाम को ही निकलो, या फिर पहले दिन का रेस्ट करो। तो बाकी तो सही है यहाँ पे मौसम, तो धूप है काफ़ी अभी यहाँ पे, बाकी पेंगोंग में बहुत ठंड है, वहाँ तो बता रहे ठंड बहुत है, तो उसी का वेट है। बाकी आज का दिन लोकल साइट सीइंग का है, तो अभी मैं आया हूँ शांति स्तूपा में, व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, मज़ा आ गया यार, वर्थ इट है यार लद्दाख सच में, मतलब अलग तरह के पहाड़ हैं यार यहाँ बिल्कुल। ये देखो यार Thank you.
तो इस टाइम मैं शांति स्तूपा पर रही हूँ। तो यहाँ पे स्टेयर्स की एंट्री है, तो ऊपर जाके आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये देखो यार, यहाँ पे आना तो बिल्कुल वर्थ इट हो गया यार। मतलब अभी तो लोकल साइट सीइंग में फर्स्ट प्लेस है ये, एंड अभी से इतना अच्छा व्यू मिल गया मुझे, मज़ा आ गया यार। एंड ये शांति स्तूपा भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पे ड्रोन कैमराज बिल्कुल अलाउड नहीं है शांति स्तूपा पर, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ ड्रोन कैमराज मत यूज़ करना, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। बस बाकी तो ठीक है यार, धूप बहुत ज़्यादा हो गई यार, मतलब बहुत ओवर में है धूप इस टाइम यार, कहाँ सोच रहा दिल्ली से कम होगी यार। तो यहाँ पे परिक्रमा कर सकते हो आप। और तीसरी जगह है ले पैलेस, तो इसके बाद वहाँ जाएंगे। तो ये है आज की तीसरी और आखिरी जगह ले पैलेस, तो चलते अंदर देखते हैं कैसा बना हुआ है ये। बाकी बाहर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर जाके देखते हैं कैसा है। तो यहाँ ले पैलेस के लिए एंट्री टिकट लगेगी आपकी 25 रुपीज़ पर हेड है, तो चल के देखते हैं अंदर कैसा है। तो ये देखो यहाँ पे पुराना दरवाज़ा है, इतना इस तरह होते थे पहले दरवाजे। एंड ये जो पिलर्स वगैरह भी हैं काफ़ी पुराने हैं, पता नहीं कितने हज़ारों साल पुराने हैं। ये देखो यहाँ पे भी इतना छोटा गेट है, प्लीज़ माइंड योर हेड। तो टाइम हो गया शाम के 6:30, जस्ट भी वापस आया हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मेन मार्केट है वहीं पे आया हूँ मैं। तो यार यहाँ पे खाने की बड़ी प्रॉब्लम है, मैं खाता हूँ सिर्फ वेज, यहाँ पे 90% है नॉन वेज, जो 10% वो मिला तो है नहीं मुझे अभी तक। तो सुबह खाया था एक जगह से तो बड़ा अच्छा नहीं लगा खाना वहाँ का, फिर दोपहर को चिप्स खाए कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो यार पहाड़ों में ये बड़ी दिक्कत होती है यार, और आज तो यार ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ मैगी मिल रही हो, तो अब देखता हूँ रात को मिल जाए अच्छा खाना। बाकी आज का तो जितना घूमना था हो गया, मज़ा आ गया घूम के, एंड पहले दिन काफ़ी सही रहा मेरा, कोई दिक्कत नहीं आई। तो कल का देखते हैं क्या प्लान होगा, आज का चलो हुआ वन डे एट अ टाइम। तो बस अब होटल जा रहा हूँ वापस, फिर रेस्ट करूँगा थोड़ी देर और डिनर करने के लिए, चलते हैं वापस होटल में। ओए मैकू के दोस्त, मैक से मिलेगा दिल्ली में? टाइम और रात के 9:30 एंड जस्ट ही वापस आया हूँ होटल। तो काफ़ी अच्छा खाना था यार वहाँ का, मतलब यार मैं पहली बार इतना अच्छा खाना लगा हूँ मुझे पहाड़ों में, एंड प्योर वेज था, तो मुझे यही था यार कि मैं प्योर वेज रेस्टोरेंट ही चाहिए था। जब भी यहाँ पे जब भी कोई लंच डिनर करना है यहीं पर करना है। बाकी आज का दिन तो ये ख़त्म होता है,
9:30 हो चुके हैं रात के एंड बस जाऊंगा, काफ़ी थकान हो चुकी है, सोऊंगा मैं। सुबह बहुत जल्दी उठना है मैंने, 5:30-6 बजे उठना है मैंने, कारगिल जाना है तो सुबह 7 बजे कैब आएगी तो सुबह 7 बजे निकलूँगा मैं। बस अब सोऊंगा, बहुत थकान है मुझे। तो अब कल इंटरव्यू करेंगे ब्लॉगिंग, तो मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत थकान है, चलते हैं। और बाकी वेदर तो यार इस टाइम थोड़ा बहुत ठंड लग रही है, बट इतनी भी नहीं लग रही क्योंकि जैकेट पहननी पड़े कुछ, बाकी दोपहर को तो बहुत गर्मी थी। तो अब कल कारगिल जाना है, देखते हैं वहाँ कैसा वेदर होगा, तो देखते हैं। यहीं से आज के व्लॉग खत्म करता हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।